एक दिन एक चुड़ैल अपने शैतानों के साथ जलपरी लोक पर हमला कर देती है। तभी वहाँ जलपरी की दोनों सहेलियाँ आ जाती हैं। एक बार की बात है, एक इच्छाधारी नागिन जिसके पास नागों की शक्ति, एक जलपरी जिसके पास जल की शक्ति और एक रानी परी जिसके पास आग की शक्ति थी। ये तीनों आपस में बहुत गहरे मित्र थे। एक दिन एक चुड़ैल अपने शैतानों के साथ जलपरी लोक पर हमला कर देती है। चुड़ैल और उसके साथियों को आता देखकर जलपरी बहुत घबरा जाती है और वह अपनी दोनों सहेलियों को याद करती है। तभी वहाँ जलपरी की दोनों सहेलियाँ आ जाती हैं और अपनी शक्तियों से चुड़ैल के शैतानों को वहीं भस्म कर देते हैं। इच्छाधारी नागिन अपने सांप उस चुड़ैल पर छोड़ती है और चुड़ैल को वहीं कैद कर लेती है। जलपरी दोनों सहेलियों का धन्यवाद करती है। उधर चुड़ैल को बचाने के लिए चुड़ैल का भूतियाबाज चुड़ैल के पास आता है और चुड़ैल को आजाद कर देता है। भूतियाबाज, आज तो तूने मेरी जान बचा ली, परंतु मैं उन तीनों से इस हार का बदला लेकर रहूंगी। चुड़ैल, जब तक वह तीनों एक साथ हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें उन तीनों में फूट डालनी होगी। वह कहावत तो सुनी ही होगी तुमने, फूट डालो और राज करो। वह सब तो ठीक है भूतियाबाज, परंतु यह बताओ, हम यह सब करेंगे कैसे? चुड़ैल, मेरे पास एक योजना है। बाज चुड़ैल को अपनी सारी योजना बता देता है। चुड़ैल यह सुनकर बहुत खुश होती है। वहीं इच्छाधारी नागिन एक सांप का रूप धारण करके जलपरी से मिलने जा रही होती है। तभी चुड़ैल का भूतियाबाज उसे अपने पंजों में दबा लेता है और उड़ने लगता है। तभी चुड़ैल एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लेती है और वह उस बाज को एक पत्थर मारती है। पत्थर लगते ही वह बाज उस सांप को छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। इच्छाधारी नागिन अपने असली रूप में आ जाती है और उस लड़की का धन्यवाद करती है और बोलती है, लड़के, तुमने मेरी जान बचाई है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? हे नाग माता, जलपरी ने मेरी बहन को बंदी बना लिया है और वह उसे मारना चाहती है, कृपया मेरी सहायता करें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह तो मेरी मित्र है। मैं अभी उनके पास जाती हूँ और उन्हें बोलती हूँ कि वह तुम्हारी बहन को छोड़ दे। उधर भूतियाबाज जलपरी और रानी परी पर हमला कर देता है। इच्छाधारी नागिन को आता देखकर वह एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लेता है। जलपरी और रानी परी जब उस लड़की पर अपनी शक्तियों का वार कर रही होती हैं, तभी इच्छाधारी नागिन बीच में आ जाती है और बोलती है, तुम लोग इस गरीब लड़की को क्यों मार रहे हो? यह भूतियाबाज है, इसलिए हम इसे मार रहे हैं। इच्छाधारी नागिन उनकी बात नहीं सुनती और अपनी शक्तियों से उन्हें वहीं बेहोश कर देती है और दोनों गरीब भाई बहन को लेकर वहां से चली जाती है। यह हमारी मित्र को क्या हो गया? ये पहले तो ऐसी नहीं थी। जब इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर अपनी गुफा में पहुंचती है, वह दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और इच्छाधारी नागिन को वहीं कैद कर देते हैं। वहीं पास में एक जादुई बादल यह सब देख रहा होता है। वह जादुई बादल रानी परी और जल परी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। वहां जाकर वह इच्छाधारी नागिन को आजाद कर देते हैं। जब चुड़ैल और वह भूतियाबाज वापस लौटकर आते हैं, तब वह देखते हैं कि तीनों सहेलियां एक साथ खड़ी हैं। यह देखकर वह दोनों बहुत घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और वह तीनों सहेलियां खुशी खुशी रहने लगती हैं। वह अपनी सारी मछलियाँ उस नारंगी ट्रैक्टर में भर लेती है और उन्हें लेकर अपनी गुफा में चली। मछली ले लो मछली, ताजा रसीली मछली ले लो, एक बार खाओगे तो बार बार मेरे पास आओगे, ताजा ताजा मछली ले लो। एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल मछलियाँ बेच रही थी। मछली ले लो मछली, ताजा रसीली मछली ले लो, एक बार खाओगे तो बार बार मेरे पास आओगे, ताजा ताजा मछली ले लो। तभी रामू उस चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है,
अरे मछली वाली, ये मछलियाँ कैसे दी? 10 रुपए किलो बाबूजी, 10 रुपए किलो। अरे नहीं, यह तो बहुत महंगी है, मुझे तुम सस्ते वाली मछली दिखाओ। बाबूजी, अगर आपको सस्ती मछलियाँ लेनी है तो आपको मेरे खेत में चलना होगा, मेरे पास एक मछली वाला खेत है। मछलियाँ तो तालाब में होती हैं, ये खेतों में मछलियाँ कब से होने लगी? नहीं बाबूजी, अगर आप चाहे तो मेरे साथ चल के देख ले। तभी रामू उस चुड़ैल के साथ उसके खेत की तरफ निकल पड़ता है। वहां जाकर रामू देखता है कि उस चुड़ैल के खेत में तो बहुत सारी मछलियां हैं। रामू वह मछलियां देखकर बोलता है, अरे वाह, ये तो खेत में मछलियां हैं, मुझे जल्दी से 2 किलो दे दो। तभी वह चुड़ैल रामू को एक मछली में बदल देती है और फिर उस मछली को खेत में लगा देती है और बोलती है, मेरे पास बहुत सारी मछलियां हो गई है, अब मैं जल्दी ही अपनी सेना बनाऊंगी और इस संसार पर राज करूंगी। ऐसा कहकर वह फिर से मछलियां बेचने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ती है। जब वह गांव में मछलियां बेच रही होती है तभी दूसरी तरफ एक चुड़ैल उसके खेत में आ जाती है और इतनी सारी मछलियों को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, इतनी सारी मछलियां, इन्हें ले जाने के लिए तो मुझे मेरा विशाल जादुई नारंगी ट्रैक्टर लाना होगा। ऐसा कहकर वह अपनी सारी मछलियां उस नारंगी ट्रैक्टर में भर लेती है और उन्हें लेकर अपनी गुफा में चली जाती है। उधर जब चुड़ैल वापिस अपने खेत में आती है तब वह देखती है कि उसके खेत की सारी मछलियां वहां से गायब हो गई हैं। यह देखकर चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, मैंने इतनी मेहनत करके गांव वालों को पकड़ कर उन्हें मछलियां बनाया था, परंतु पता नहीं कौन मेरी मछलियां चुरा ले गया, अब तो मुझे कुछ करना होगा। तभी एक बाज चुड़ैल के पास आता है और बोलता है, चुड़ैल चुड़ैल, मुझे पता है तुम्हारी मछलियाँ कौन चुरा कर ले गया है, जल्दी बताओ कौन चुरा ले गया उन्हें। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर बताऊंगा कि तुम्हारी मछलियाँ कौन चुरा कर ले गया है। बताओ क्या है तुम्हारी शर्त? तुम्हें मुझे इंसान का रूप देना होगा, कई सालों से बाज के रूप में रहकर मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कुछ दिन इंसान बनकर जीना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। तुम्हारी सारी मछलियों को एक गुफा वाली चुड़ैल अपने ट्रैक्टर में भरकर अपनी गुफा में ले गई है। यह सुनकर मछली वाली चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और बोलती है, उस गुफा वाली चुड़ैल की मैं जीवन लीला वहीं समाप्त कर दूंगी। यह कहकर वह बाज को अपने साथ ले जाती है और गुफा वाली चुड़ैल के पास पहुंचकर उसे बोलती है, गुफा वाली चुड़ैल बाहर निकल, तुमने मेरी मछलियां क्यों चुराई? तभी गुफा वाली चुड़ैल बाहर आ जाती है और बोलती है, अरे चुराई कहाँ है, मैंने तो उधार ली है, मुझे तुम्हारी मछलियाँ पसंद आई और मैंने उन्हें उधार ले लिया, मैं तुम्हें जल्द ही वापस कर दूंगी। नहीं, तुम मेरी मछलियाँ अभी वापस करो। अपना तो एक ही नियम है, जिसका लेना कभी ना देना। ऐसा कहकर गुफा वाली चुड़ैल अपनी शक्तियों से मछली वाली चुड़ैल को एक मछली में बदल देती है। यह सब देखकर वह बाज बहुत घबरा जाता है और उसे उठाकर उसके खेत में ले जाता है। फिर वह मछली वाली चुड़ैल से बोलता है, अरे चुड़ैल, तुम्हारा हाल तो मुझसे भी बुरा हो गया। भूतियाबाद जाओ और कालिया नाग को बुला कर लाओ, कालिया नाग ही मुझे इस मछली रूप से आजाद कर सकता है, फिर हम तीनों मिलकर उस गुफा वाली चुड़ैल से बदला लेंगे। तभी बाज उड़ कर जाता है और कालिया नाग को चुड़ैल के पास लेकर आता है। कालिया नाग मछली वाली चुड़ैल को देखकर हंसने लगता है। तभी चुड़ैल बोलती है, कालिया नाग हंसना बंद कर और मुझे आजाद कर। तभी कालिया नाग अपनी शक्तियों से चुड़ैल को वापस ठीक कर देता है।
और वह तीनों मिलकर गुफा वाले चुड़ैल को मारने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। परंतु गुफा वाले चुड़ैल ने रास्ते में एक जाल लगाया होता है। वह तीनों उस जाल में फंस जाते हैं। तभी बाज बोलता है, अरे ये क्या हुआ, हम तो चुड़ैल को मारने आए थे, हम तो खुद ही फंस गए, लगता है अब चुड़ैल हमें ही मार देगी। चुप कर, जब देखो रोता रहता है, मैं अभी जाल को तोड़ दूंगी। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों का वार उस जाल पर करती है और उस जाल को काट देती है। तभी तीनों मिलकर अपनी शक्तियों का वार उस चुड़ैल पर करते हैं। यह सब देखकर गुफा वाली चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। तभी मछली वाली चुड़ैल उस बाज को एक इंसान में बदल देती है और अपनी सारी मछलियों को लेकर अपने खेत की तरफ निकल पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।